सर पहले तो मैं कहूँगा अगर दो इफ टू पीपल हु आर एडल्ट्स आर लिविंग टुगेदर कंसेंशुअली तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए किसी को भी. In fact, it's legal today in India to live together. The Supreme Court judgment. Wonderful. So that makes it even better. Without shadi to achi. हाँ सर उसमें क्या प्रॉब्लम है अगर दोनों को खुशी है मतलब एक साथ रहते हुए उन दोनों को कुछ प्रॉब्लम है हमें क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए अगर वो एक साथ रहना चाहिए. हमारी बच्चियाँ हैं उनके ऊपर असर गलत जाता है. नहीं सर इसमें बुरी असर की बात तो है ही नहीं मतलब आफ्टर 18 अ गर्ल इज एंटाइटल्ड टू हैव हर ओन लाइफ हैव हर ओन ओपिनियन अबाउट व्हाट शी वुड लाइक टू डू सिमिलरली अ मैन डस टू. और अगर दोनों को खुशी मिल रही है कि दे कैन लिव टुगेदर उसमें मतलब बुरी असर की कोई बात नहीं है. बुरा असर तो ये पड़ता है अगर एक हस्बैंड अपने वाइफ को पीटे और उनके नेबर्स जो है वो कुछ नहीं करें उसके बारे में बुरा असर तो ये पड़ेगा. यही सोच खाप पंचायत की तरफ ले जाती है हमको. अगर इस सोच को हमने आगे बढ़ाया तो वही फिर खाप पंचायत की होती है कि आप ये नहीं कर सकते हैं. एडल्ट हैं बड़े हैं और उनकी जो खुशी है वही मापदंड होना चाहिए बच्चों का कि उनकी खुशी क्या है नहीं कि हमारा मापदंड उन पर डाला जाए.